श्री अरविंद सावंत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 2018 के अंतिम चरण में माननीय कम्युनिकेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने इस सदन में कहा था कि हम भारत संचार निगम और उनको महानगर टेलीफोन निगम को पुनर्जीवित कर रहे 4G की सर्विस दे देंगे। आज 2020 सितंबर आया, अभी भी 4G की सर्विस महानगर भारत संचार निगम की शुरू नहीं हुई। उस वक्त और एक चीज़ हुई थी कि आई यू सी चार्जेस इंटर यूजेस चार्जेस होते हैं, उसके लिए वोडाफोन और एयरटेल के लोग आए थे सरकार के पास और कह रहे थे भाई एक कॉल के पीछे 14 पैसे जाता है, उसे कम करिए। सरकार ने किया नहीं, लेकिन सरकार के पास जब उसकी लाडली कंपनी आई तो कर दिया। और इमीडिएटली करने के बाद में भारत संचार निगम का 5000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये वहाँ के सेक्रेटरी दीपक मिश्रा जी ने TRA की नज़र में लाने के बाद में TRA ने उसको ही ट्रांसफ़र कर दिया। और आज वही हालत है कि हमारे मराठी में जैसे कहा होते हैं, न माँ खाना देती है न बाप भीख मांगने देता है, ऐसी अवस्था उस कंपनी की हुई है। वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए बीच में उन्होंने VRS लाई, हमने उसको समर्थन किया, सहायता की। अब VRS के लोगों के पैसे जून आखिर तक देने थे, अब सितंबर आखिर तक आ गए, अभी भी उनके GPF वोट लिया, लीव ग्रेजुटी हो, लीव एनकैशमेंट हो और बाकी सारे ग्रेजुटी हो, ये सारे पैसे अभी भुगतान नहीं किया है, उस पर भी भुगतान करने की आवश्यकता है। और ये इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को विनती करता हूँ कि भारत संचार निगम को और महानगर टेलीफोन निगम को जल्दी से जल्दी सहायता देकर पुनर्जीवित करने की आशीर्वाद दे दे। धन्यवाद समझते।